हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बीए सीखे थे कि मैथमेटिक्स से थर्मोडायनेमिक्स नहीं आ रहा था, बल्कि कॉमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंस से जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसी को मैथमेटिक्स थर्मोडायनेमिक्स में कन्वर्ट किया गया था। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी यही चीज देखा गया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोसेसेस हैं जो अपने बलबूते होते हैं और उस प्रोसेस को होने के लिए बाहर से कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन और इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इन्हीं ऐसे ही बहुत सारे प्रोसेसेस जो नेचर में रेगुलरली होते रहते हैं, हमारे चारों तरफ होते रहते हैं, ठीक है, अपने आप होते रहते हैं, ठीक है, उनको होने के लिए कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इन सब में क्या चीज कॉमन रहा, इन्हीं सब चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को हम लोग सीखे थे। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स धीरे धीरे हम लोग डेवलप करेंगे कि ये किस तरह का है। तो इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो एंड प्रेडिक्ट्स फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यही प्रॉब्लम रह गया था कि कोई प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं, इन सबको प्रेडिक्ट नहीं करता है। इसमें ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि कोई प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं है, इस बात को यहाँ प्रेडिक्ट किया जाता है, और एनर्जी यहाँ से कहाँ जाएगा इस चीज को भी ये बताता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो जनरलाइजेशन फ्रॉम ह्यूमन एक्सपीरियंस। मैंने आपको कहा कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्रोसेसेस अपने आप होते रहते हैं, उन सबको अपने आप होने के पीछे जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि उन सभी में कुछ पैरामीटर्स हैं जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में शामिल किया गया है। जनरलाइजेशन फ्रॉम ह्यूमन एक्सपीरियंस, जैसे कुछ मैं एग्जाम्पल दिया हूं, जैसे कोई एक वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर अगर गैस को छोड़ा जाए, वैक्यूम के अंदर अगर गैस को छोड़ा जाए तो गैस पूरे स्पेस जो होंगे उसको ऑक्यूपाई कर लेगा स्पॉन्टेनियसली अपने बलबूते। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर में अगर थोड़ा सा भी हम गैस इंटर करा दें और ये पहले से वैक्यूम है तो इस गैस को फैलने से कोई नहीं रोक सकता है, और इस गैस को फैलने के लिए बाहर से कोई एक्सटर्नल इनपुट देने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप गैस आपको फैलते चला जाता है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा सोचें कि एक फैले हुए गैस अपने आप सिकुड़ करके वापस आ जाए, एक फैला हुआ गैस सिकुड़ करके वापस आ जाए अपने आप विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस डज नॉट अकर, ये आप ही जानते हैं। यानी कि आप देखते हैं यहां गैस खुद से फैल सकता है लेकिन फैला हुआ गैस खुद से सिकुड़ नहीं सकता है, ये नोट करने वाली बात है। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मान लो ये मेटल बार है, दिस इज यूनिशियली एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट इट्स लेंथ। यहां जो टेम्परेचर है वही यहां भी है, यहां है, यहां है, यहां है, सभी जगह आपको ये सेम टेम्परेचर पर है। ठीक है, अगर आप चाहें कि ये अपने आप ऐसा हो जाए, ये अपने आप ऐसा हो जाए कि एक जगह हायर टेम्परेचर पर हो जाए और एक एंड इसका लो टेम्परेचर पर हो जाए अपने आप, मान लो ये 300 केल्विन पर है, अपने आप ये 305 केल्विन पर हो जाए और ये 295 केल्विन पर हो जाए अपने आप, बाहर से कोई मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इसका उल्टा सोचें कि ये एक रॉड है, ये एक रॉड है जिसमें एक 305 केल्विन पर है एक एंड और दूसरा एंड 295 केल्विन पर है, इसको छोड़ दिया जाए कुछ देर तक वैक्यूम में रख करके, तो आप पाएंगे
कि पूरा का पूरा रॉड एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर आ गया है। ये अपने आप आपको हो सकता है, यानी यहां पर भी एक काम अपने आप हो सका, स्पॉन्टेनियसली हो सका, खुद हो सका, लेकिन दूसरा काम खुद से नहीं हो सका। इसी तरह से एक एग्जांपल आप और देख सकते हैं कि आयरन रॉड को खुला एयर में अगर छोड़ दिया जाए एटमॉस्फेयर में, तो अगर इसमें पेंटिंग वगैरह नहीं किया हुआ हो तो ये धीरे धीरे रस्ट करता है। धीरे धीरे क्या होता है, ये रस्ट करता है। लेकिन अगर इसका आप अपने आप ये रस्ट करता है, इसको बाहर से कोई जंग लगवाना चाहे ऐसा नहीं बात है, नेचर इसको अपने आप धीरे धीरे वहां पर कुछ प्रोसेसेस होते हैं और ये कोरोड होता है। अगर इसका उल्टा आप सोचिए कि एक जंग लगा हुआ लोहे के रॉड को आप एटमॉस्फेयर में, ओपन एटमॉस्फेयर में आप छोड़ दीजिए और धीरे धीरे जो पार्ट कोरोडेड था वो अनकोरोडेड हो जाए, वो ठीक हो जाए, बिना कोरोजन वाला बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यहां से हमें एक चीज समझने को मिलता है कि नेचर में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो होते हैं लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो अपने आप नहीं होते। ठीक है, इन्हीं सब चीजों को हम यहां सीखते रहेंगे। मेनी प्रोसेसेस हैव अ नेचुरल डायरेक्शन एंड इट इज विद द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन दैट द सेकंड लॉ इज कंसर्न्ड। और वही जो डायरेक्शन है, इसी चीज को सेकंड लॉ में हम लोग स्टडी करते हैं कि कोई गिवन प्रोसेस किस रास्ते में आपको जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मोस्टली इन्हीं सब को डील करता है। ठीक है, तो एंट्रोपी एक नया टर्म हमारे सामने आता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीटली एक नई टर्मिनोलॉजी के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है और उस टर्म का नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी का मतलब, ट्रॉपी एक वर्ड है, ट्रॉपी का मतलब होता है फ्लो। ट्रॉपी का मतलब क्या होता है, फ्लो, यानी फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में आपको बतलाता है। ट्रॉपी का मतलब क्या होता है, फ्लो, फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में आपको बतलाता है। तो एंट्रोपी एक सिस्टम का क्या होता है, किसी सिस्टम का एंट्रोपी उस सिस्टम के पार्टिकल्स का रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस का मेजरमेंट है। किसी सिस्टम के अंदर में जो पार्टिकल्स मौजूद है उनका रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस जितना ज्यादा होगा उस सिस्टम का एंट्रोपी उतना ही ज्यादा होता है। ये रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को हम कैसे समझे, इमेजिन करें, इसको आप इस तरह से सोचें, जैसे कोई क्लास चल रहा है, क्लास में जब क्लास टीचर मौजूद होता है तो सारे बच्चे अपने अपने सीट पर बैठे होते हैं, स्थिर होते हैं। जैसे ही क्लास टीचर क्लास से बाहर जाता है, इमीडिएटली बच्चे लोग एक सीट से उठकर दूसरे सीट पर जाने लगते हैं, कोई किसी के पास गया, कोई किसी के पास गया, चार लोग एक साथ बैठ जाते हैं, दो लोग बाथरूम चले जाते हैं, दो लोग बाहर गप करने चले जाते हैं, वगैरह वगैरह। क्लास के अंदर में केओस जैसा माहौल हो जाता है। इस स्टेज पर आप देखें, इस स्टेज पर आप देखें, कोई एक स्टूडेंट का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कोई कहीं जा रहा है, दूसरा कहीं और जा रहा है, तीसरा कहीं बैठा हुआ है, चौथा खड़ा हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रैंडमाइज हो गया है, आप सब कुछ रैंडम तरीके से होने लगा है, कोई एक पैटर्न को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसी को कहते हैं रैंडमनेस, इसी को क्या कहते हैं, रैंडमनेस। जब क्लास में टीचर था, बच्चे लोग जब शांत थे, पढ़ रहे थे, उस समय आपको ऑर्डरनेस था क्लास में, और जब टीचर बाहर चला गया तो जो जैसे तैसे केओस जो डेवलप हुआ है, इसको डिसऑर्डरनेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिसऑर्डरनेस कहते हैं। तो जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा, जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आपको उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस।
of particles at microscopic level. Greater is the disorderness or randomness, greater is the entropy. ये directly related. Second law of thermodynamics क्या कहता है? Second law of thermodynamics का statement कहता है कि कोई भी natural process हो, कोई भी irreversible process हो, कोई भी spontaneous process हो, ऐसे processes जब होते हैं, तो इस universe का entropy हमेशा increase करता है. इस यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करता है. इसका स्टेटमेंट कहता है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस इन एनी नेचुरल इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है, कोई भी इस तरह का प्रोसेस आप लीजिए, एंट्रोपी आपको बढ़ता है. ठीक है, यही आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है. तो एंट्रोपी क्या होता है यू तो हम सीखते हैं, कुछ आइडिया हमें लगा. एंट्रोपी भी हमें एक स्टेट फंक्शन होता है. एंट्रोपी इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन. We can calculate change in entropy during a process undergone by the system. dS is equal to dQ by T. dS is equal to dQ by T. जहां पर dQ क्या है? infinitesimal infinitesimally small amount of heat given to the system so that its state parameter does not change. आप कुछ इस तरीके से सोचे, जैसे कोई एक सिस्टम, ये सिस्टम कोई एक प्रोसेस से होकर गया है, ये सिस्टम कोई एक प्रोसेस से होकर गया है. अब ये जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट गया है तो एंट्रोपी यहां पर कुछ होगा, एंट्रोपी यहां पर भी कुछ होगा. एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है. तो चेंज इन एंट्रोपी जब हमें निकालना होगा तो हमें कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए, तब हम अब चेंज इन एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आप ऐसा सोचें कि एंट्रोपी इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन, वी कैन कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द प्रोसेस अंडरगोन बाई द सिस्टम. और कहां से? तो वो इस फॉर्मूला से आप केवल इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं. चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू dQ बाय T, जहां पर dQ क्या है? dQ इज द अमाउंट ऑफ हीट, dQ इज इनफाइनिटिसिमल स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम सो दैट द टेम्परेचर or any state parameter of the system does not get affected. मतलब
आप इतना कम अमाउंट ऑफ हीट आप इस सिस्टम को दीजिए ताकि इस हीट को पाने के बाद इसके पार्टिकल्स का टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम कोई भी आपको नहीं के बराबर चेंज करे, समझ गए? कोई आपको क्या कहलाएगा? जब ऐसा आप करते हैं, इतना इनफिनिटिसिमल स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इस सिस्टम को आप देते हैं ताकि इसके स्टेट पैरामीटर चेंज ना करे, ठीक है? तो इस गिवन हीट को हम क्या कहते हैं? हीट गिवन टू द सिस्टम इन द रिवर्सिबल प्रोसेस, हीट गिवन टू द सिस्टम इन द रिवर्सिबल प्रोसेस, ये हमेशा के लिए आपको ट्रू होगा। सवाल उठता है तो क्या ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डिफाइन नहीं होता है क्या? हम इस पर चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी हम बस ये सीखे कि डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी होता है। डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी क्यों होता है? इसको हम सीधे डेल एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी क्यों नहीं लिख देते हैं? देखिए, इसमें और इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है, जैसे आप इस तरह को सोचे, जब आप चाय बनाते हैं तो हीट जब आप उस सिस्टम को देते हैं तो क्या एक स्टेट पर सारा हीट आप चाय के केटल को दे देते हैं? नो, इट टेक्स टाइम, है ना? आप चाय बनाने के बारे में ही थोड़ा सोचिए। मान लो उसका इनिशियली जब बर्तन केटल रखे उसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो पहले जो आप हीट उसको देंगे वो 300 केल्विन पर देंगे कि नहीं देंगे? धीरे धीरे उस केटल का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और बाद में जो उस केटल का टेम्परेचर आप देंगे वो इंक्रीज्ड टेम्परेचर पर, आप बाद में जो उस केटल को आप हीट दे रहे हैं वो इंक्रीज्ड टेम्परेचर ऑफ केटल जो है उस पर आप दे रहे हैं। तो क्या चाय बनाने के समय में जितना भी आप हीट देते हैं तो क्या एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप देते हैं? नो, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर, जैसे जैसे हीट उस केटल को मिलता है उसका टेम्परेचर आपको इंक्रीज करता है और आगे आने वाला हीट एक इंक्रीज्ड टेम्परेचर पर ही केटल को मिलता है। और इसीलिए इस फॉर्मूला में जो ये लिखा गया पार्ट है ये पूरी तरह से गलत है। इसीलिए चूंकि जब किसी भी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन हम उसको हीट नहीं देते, बल्कि हीट उसको पूरा मिलने में कुछ टाइम बीतता है। इस गिवन टाइम ड्यूरेशन में उस सिस्टम का कुछ टेम्परेचर राइज होता है। तो अगर इसका हीट क्यू, मान लो ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट है जब किसी सिस्टम को देना है, ऐसे समझाने के लिए करें, ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी सिस्टम को देना है, जब तक आप उसको इतना हीट दे चुके हैं तब तक उसका टेम्परेचर बढ़ करके टी डैश हो गया है और अगला हीट तो सिस्टम को मिलने वाला है वो टी डैश टेम्परेचर पर मिलने वाला है और अगला हीट तो उसको मिलने वाला है और टी डबल डैश टेम्परेचर पर मिलने वाला है। तो आप ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि किसी सिस्टम को जितना भी हमने हीट दिया वो सारा का सारा एक गिवन टेम्परेचर टी पर ही दिए हैं? ये मेरा बात समझ गए आप? इसी कारण से इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखा जाता है। ऐसा एक्सप्रेशन आप नहीं लिख सकते, ये तभी पॉसिबल है जब आप जितना अमाउंट ऑफ हीट उसको देते हैं उस पूरे ड्यूरेशन में उसका टेम्परेचर टी होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाकर के ये एक्सप्रेशन वैलिड हो जाएगा, लेकिन ऐसे ये इनवैलिड हो। और इसी कारण से जनरलाइज्ड फॉर्म में चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डी की रिवर्सिबल बाय टी, रिवर्सिबल इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आपने इनफिनिटिसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दिया है ताकि उस सिस्टम का कोई पैरामीटर टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम कोई भी उस समय चेंज ना करता हो, ठीक है, या नेग्लिजिबली चेंज करता हो। इसलिए इस फॉर्मुलेशन को यहाँ पर लिखा गया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग को आता है टाइप्स ऑफ एंट्रोपी चेंज, टाइप्स ऑफ एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज आपको तीन तरह के होते हैं,
कैसे कह रहे हैं? ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा सराउंडिंग है। और ये हमारा दोनों मिलकर के यूनिवर्स बनता है। सिस्टम सराउंडिंग कंबाइन होकर के हमें यूनिवर्स बनाता है। और आपको ये बात जानना होगा कि यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं है, इसीलिए यूनिवर्स क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है। यूनिवर्स में क्या होता है? आपको एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं है, ठीक है, इस तरह से लेकर चलेंगे। टाइप्स ऑफ एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज आपको सिस्टम का हो सकता है, डेल एस सिस्टम, ठीक है, एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का हो सकता है, और तीसरा एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का हो सकता है, ठीक है, सिस्टम सराउंडिंग एंड यूनिवर्स के लिए हो सकता है। एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम फॉर सराउंडिंग्स एंड फॉर द यूनिवर्स एंड फॉर द यूनिवर्स, ठीक है, ये हो सकता है। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। लिख लेते हैं, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस इन एनी इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इन एनी इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, दैट इज एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, तो ऑलवेज इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो छह चीज क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है, याद रखिएगा। इसी को लिखा जा सकता है डेलिस यूनिवर्स, यूनिवर्स का पार्ट कौन है? सिस्टम है और सराउंडिंग है, तो लिखा जा सकता है डेल ए सिस्टम प्लस डेल ए सराउंडिंग, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। किसके लिए? किसके लिए? फॉर इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। किसके लिए? फॉर इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ऐसा होगा, ठीक है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा तो क्या होगा? अगर रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा तो क्या होगा? तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग जानते हैं इन रिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विथ दी सराउंडिंग्स। हम लोग पढ़े कि इन रिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। जब ये दोनों आपस में हमेशा इक्विलिब्रियम में होंगे
तो जितना इसका चेंज होगा एंट्रोपी, उतना ही इसका भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। जो इसमें चेंज होगा उतना ही इसमें चेंज होगा। यानी इसका अगर एंट्रोपी 10 यूनिट से डिक्रीज करेगा तो इसका एंट्रोपी 10 यूनिट से इंक्रीज करना चाहिए। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा लेकिन सेंस इसका अपोजिट होगा। तो इसीलिए डेल एस यूनिवर्स क्या हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। मतलब है डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जिसका मतलब है डेल एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल एस सराउंडिंग, डेल एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल एस सराउंडिंग होगा। किसके लिए? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके लिए लगता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग देखते हैं। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल एस कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी, या आप थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ठीक है। और डी एस किसके बराबर होता है? डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। रिवर्सिबल लिया है, रिवर्सिबल लिखेंगे कहीं, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप कभी भी इसको ऐसे मत लिखिएगा, ये पूरी का इंटीग्रेशन होगा। आप हीट को खाली इंटीग्रेट मत करिएगा। हीट को इंटीग्रेट करने का मतलब है कि आपने उस सिस्टम को जितना भी हीट दिया उस ड्यूरेशन में उस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। क्या आपको ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। सिस्टम को आप धीरे धीरे हीट देते रहिएगा तो उसका टेम्परेचर भी तो चेंज करते चला जाएगा। इसीलिए इस टी इज अ वेरिएबल, टी क्या है? वेरिएबल है एंड इट कैन नॉट बी टेकन आउटसाइड डी इंटीग्रेशन, समझ गए। और इसीलिए इसको कभी भी आप ऐसा नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हीट देने से उसका टेम्परेचर भी चेंज करता है, ठीक है। तो ये डेल एस सिस्टम किसका निकाले? डेल एस सिस्टम, डेल एस सिस्टम ये आपको आ गया। अब आप निकालिए डेल एस सराउंडिंग। ये आपका सिस्टम है और ये आपका सराउंडिंग। अगर आपको डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसको दिया गया है सिस्टम को, तो सराउंडिंग का हीट डिक्रीज किया है तो चेंज इन एंट्रोपी सराउंडिंग के लिए क्या होगा? इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस डी क्यू बाई टी। इंटीग्रेशन माइनस डी क्यू बाई टी। फिर से एक बार देख लीजिए, टी टेम्परेचर पर सराउंडिंग ने सिस्टम को हीट किया है तो सराउंडिंग का हीट डिक्रीज किया, यानी कि सराउंडिंग के लिए हीट माइनस हुआ, इसलिए चेंज इन एंट्रोपी में माइनस साइन के साथ हीट लिखा जाए सराउंडिंग के लिए बाय टी, टी टेम्परेचर पर ऐसा किया गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग इज वेरी लार्ज। सराउंडिंग क्या है? वेरी लार्ज है।
एंड देयरफॉर थोड़ा बहुत अगर हीट सराउंडिंग से सिस्टम को चला जाए तो इसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं कर जाता है। आप इसको ऐसा सोच कर देखिए कि पूरा यूनिवर्स है जिसमें ये मार्कर आपका सिस्टम और बाकी सारा यूनिवर्स का पार्ट सराउंडिंग। मान लो इस यूनिवर्स से ये मार्कर 10 जूल एनर्जी ले लेगा तो क्या पूरे यूनिवर्स का टेम्परेचर घट जाएगा क्या इसकी वजह से? पूरा यूनिवर्स की बात कर रहे हैं? नहीं, इतना ह्यूज, इतना बड़ा साइज का यूनिवर्स है कि थोड़ा बहुत उसे हीट लेने से यूनिवर्स मैंने सराउंडिंग के टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी बात को यहाँ पर समझना है, सराउंडिंग इज वेरी लार्ज एंड देयरफॉर स्मॉल हीट एक्सचेंजेज डज नॉट चेंज इट्स टेम्परेचर। और इसीलिए थोड़ा बहुत अगर सराउंडिंग से हीट आप ले भी लेते हैं तो सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका चेंज नहीं करेगा, यानी कि टी आपका प्रैक्टिकली कांस्टेंट हो गया। और टी को आप बाहर ले लीजिए, माइनस को बाहर ले लीजिए, माइनस वन बाई टी डी क्यू को इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है? तो इंटीग्रेट करिए तो माइनस क्यू बाई टी, ठीक है, माइनस क्यू बाई टी, मतलब ये सराउंडिंग के बजाय यहां पर एक्चुअल लिख दीजिए, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो भी हीट एक्सचेंज हुआ है उसके एक्चुअल वैल्यू को आप रखिएगा तो आपको यहां काम हो जाए। एंड देयरफॉर डेल इज यूनिवर्स किसके लिए? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो जाएगा, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी माइनस क्यू एक्चुअल जो ट्रांसफर हुआ बाई टी, ठीक है, समझ गए? जहां पर टी है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जहां पर टी है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, जहां पर टी है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल आएगा तो डायरेक्ट पुट करवा रहे हैं। अब आते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इन इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको निकालना, ठीक है। तो डेल एस सिस्टम लिखा जाएगा इंटीग्रेट डी एस सिस्टम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी, डी क्यू बाई टी करके लिख देंगे हो जाएगा। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि ये मैथमेटिकल फंक्शन तभी इंटीग्रेट किया जा सकता है जब हमें ये दो टर्म कंप्लीटली डिफाइंड हो, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल स्टेट। जब ये एक्सप्रेशन कंप्लीटली डिफाइंड हो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड पोजीशन, रिवर्सिबल में तो ऐसा होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस जब आपको होता है एक स्टेट से सिस्टम जब दूसरा स्टेट जाता है, एक स्टेट से सिस्टम जब दूसरा स्टेट जाता है थ्रू इरिवर्सिबल पाथ, तो हम एक चीज जानते हैं कि इरिवर्सिबल पाथ जो होता है, ठीक है, वो बहुत फास्ट होता है, बीच में टर्बुलेंसी वगैरह आता है, अचानक हो जाता है, कोई प्रोसेस अचानक हो गया तो अचानक ऑल ऑफ अ सडन होता है, तो उनके स्टेट पैरामीटर्स के बीच में कुछ रिलेशन हम नहीं निकाल पाते, ठीक है। और इसीलिए रिलेशन बिटवीन स्टेट पैरामीटर्स
इज नॉट डिफाइंड, ये ध्यान रखिएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम स्टेट पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन नहीं निकाल पाते हैं। तो ये Q है और ये T है, इन दोनों का रिलेशन जब तक हमें नहीं पता चलेगा तब तक हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर डिफाइंड। हम लोग को केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट ही केवल डिफाइंड होता है, बीच का जो स्टेट होते हैं ये सब हमें डिफाइंड नहीं होता है। तो ऐसा है यहाँ कि जब आप यहाँ पर टेम्परेचर Ti से यहाँ पर टेम्परेचर Tf आप चाहते रहेंगे, तो Ti के बाद अगला जो टेम्परेचर है, फिर अगला टेम्परेचर, इस तरह से जब आप आगे की ओर जाते हैं तो कितना टेम्परेचर पर कितना हीट मिला था, फिर कितना टेम्परेचर पर कितना हीट मिला था, फिर कितने टेम्परेचर पर कितना हीट मिला था, वो रिलेशन हमें मालूम नहीं है और इसी कारण से यह डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। किसके लिए? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डिफाइंड नहीं है, ये गलत है आपका। तो फिर हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो अभी इरिवर्सिबल पाथ से कनेक्टेड था, इसको एक नए अपने से पाथ चुन लीजिए, चूज एन रिवर्सिबल पाथ, एक अपने से आप रिवर्सिबल पाथ चुन लीजिए जो इन्हीं दोनों इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स को कनेक्ट करता है। कनेक्टिंग सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, कनेक्टिंग इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, एक आप इमेजिन करना होगा, ठीक है? ये आप ध्यान रखें कि यहां से जो हीट जाएगा dQ इरिवर्सिबल और यहां से जो हीट ट्रांसफर होगा dQ रिवर्सिबल, दिस टू मे बी डिफरेंट, ठीक है? दिस टू मे बी डिफरेंट, तो इस बात को नोट किया जाए। एंड इमेजिनरी पाथ कनेक्टिंग सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स इज चूजन। तो अगला पाथ जो हम चुनेंगे वो रिवर्सिबल होना चाहिए, एक ऐसा रिवर्सिबल पाथ ताकि वहां dQ by T हमें डिफाइंड। आप कहेंगे कि सर इधर इधर तो अलग अलग चीज, देखो बाबू ये जो डेलेस सिस्टम है ये क्या है? डेलेस सिस्टम चेंज इन एंट्रोपी है और एंट्रोपी क्या है? स्टेट फंक्शन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, S final minus S initial, हम इधर से जाए या इधर से जाके कैलकुलेट कर ले, चेंज इन एंट्रोपी हमारा सिस्टम का सेम होगा और इसीलिए एन इमेजिनरी पाथ कनेक्टिंग सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स इज चोजन। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हीट ट्रांसफर दोनों में डिफरेंट हो सकते हैं, हीट एक्सचेंज्ड इन बोथ paths मे बी डिफरेंट, समझे? और इसीलिए हम यहां पर से यही वाला डेलेस सिस्टम ई रिवर्सिबल पाथ का जब भी आपको कैलकुलेट करना होगा,
इनिशियल से फाइनल लिखिए और डी क्यू रिवर्सिबल लिखिए, ठीक है, ये वाला डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ये डी क्यू रिवर्सिबल किसका है? इमेजिनरी पाथ का, समझे? और आपको सेम वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से आपका प्रयोग। तो डेल एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा? ई रिवर्सिबल पाथ का। डेल एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा? तो डेल एस सराउंडिंग के लिए आप कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ये आपका सिस्टम है, ये आपका सराउंडिंग है, ये आपका यूनिवर्स। तो यूनिवर्स तो इतना लार्ज है कि हीट ट्रांसफर होने पर, यूनिवर्स तो इतना लार्ज है, सराउंडिंग तो इतना लार्ज है कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर सिस्टम को दे भी दिया जाए तो इस सराउंडिंग में किसी भी तरह का टर्बुलेंस क्रिएट नहीं होगा, इस सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और इसीलिए प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर ही सराउंडिंग सिस्टम को हीट ट्रांसफर करता है। और इसीलिए माइनस क्यू ई रिवर्सिबल, प्रोसेस तो एक्चुअल वाला तो ई रिवर्सिबल ही हुआ है, तो सराउंडिंग जो हीट देगा सिस्टम को वो तो ई रिवर्सिबल प्रोसेस के बराबर ही देगा, डिवाइडेड बाय टी सराउंडिंग आप लिख दीजिए, आपको काम हो जाएगा। तो ये क्यू ई रिवर्सिबल जो है वो एक्चुअल प्रोसेस वाला होना चाहिए, ना कि इमेजिनरी पाथ वाला होना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको आपको बार बार देखना होगा, ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है, हम लोग जानते हैं, अब तो ये चीज सीख गए कि प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल पाथ मान के ही कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। तो डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, यही आपको ऑलवेज एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसके लिए वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाए, इसका इंटीग्रेट करना होगा, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होगा। हम लोग जानते हैं सेंस फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी, डी डब्ल्यू होता ही, इसको डी डब्ल्यू कहते हैं, ठीक है। और इसीलिए चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा, डी क्यू रिवर्सिबल को आप रख दीजिए डी यू प्लस पी टी बी बाई टी, टी यू एन सी बी डी टी पी टी बी बाई टी, तोड़ दीजिए इंटीग्रेशन, एन एंड सी बी अगर कॉन्स्टेंट है तो डी टी बाई टी हो जाए, और पी बाई टी डी वी के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैस से पी बाई टी होता है एन आर बाई वी होता है, इसको रख लीजिए, ठीक है। एन सी वी डी टी बाई टी और इस पी बाई टी को रिप्लेस कर देंगे एन आर बाई वी से, एन आर बाहर आ जाएगा, प्लस एन आर इंटीग्रेशन डी वी वैल्यू, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, इसका वैल्यू आ जाएगा
डेलेस आपको आ जाए एनसीडी एल एन टी फाइव, एल एन टी इसका इंटीग्रेशन होता है, टी फाइव एन बाई टी इनिशियल प्लस एनआर बाहर है, वी फाइनल बाई वी इनिशियल, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वहां पर टी एफ बराबर टी आई हो जाएगा, तो टी एफ और टी आई कट जाएगा, एल एन वन खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन दैट केस डेल एस इज इक्वल टू एन आर एल एन वी एफ बाई वी आई, ठीक है। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, Vf बराबर Vi होता है, तो Vf Vi कैंसिल हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है, ये टर्म केवल बचेगा, इसलिए डेल s आपको हो जाएगा LCV ln t final by t initial आपका होगा। तीसरा, और आइसोबेरिक प्रोसेस, फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, हम यहां से शुरू करते हैं फिर से, डेल एस मेरा डी एच आई टी के बराबर है, चूंकि हीट गिवन टू द कांस्टेंट डी क्यू रिवर्सिबल डी एच के बराबर है, और डी एच एन सी पी डी टी के बराबर है, एन सी पी इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, जिसको सॉल्व करेंगे एन सी पी एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल आपको है, किसके लिए, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए आपको सिस्टम का एंट्रोपी चेंज का वैल्यू इसके बराबर आपको आ जाएगा, ठीक है। एक और प्रोसेस होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, और एडियाबेटिक प्रोसेस जहां डी क्यू ही जीरो हो जाता है, इसीलिए डेल एस जब डी क्यू बाई टी लिखते हैं यही जब जीरो है, तो पूरा आपका एंट्रोपी चेंज याद रहेगा जीरो आ जाएगा, पूरा एंट्रोपी चेंज भी आपको क्या आ जाएगा उस केस में, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड सिस्टम। सॉलिड और लिक्विड सिस्टम, क्योंकि पिछले वाला जो था वो किसके लिए था, गैस के लिए। सॉलिड एंड लिक्विड सिस्टम के लिए डेल एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी हो जाए, डी क्यू सॉलिड और लिक्विड के लिए होता है एम एस इंटू डी टी बाई टी, जहां पर एस क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और सीपी से भी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको आ जाएगा इंटीग्रेशन, जहां इनिशियल से फाइनल स्टेट एम एस कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी टी बाई टी इनिशियल टू फाइनल क्या आ जाएगा आपको, एम एस एल एन टी इनिशियल से फाइनल, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा एम एस एल एन T final by T initial, ठीक है। यही यहां पर आपको एंट्रोपी चेंज होगा, कब कब होगा आपको, ये
जब आपको कोई सॉलिड और लिक्विड सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो सिस्टम, ठीक है, ये कब एप्लीकेबल नहीं है? केवल व्हेन टेम्परेचर चेंजेस एंड नॉट फॉर फेज ट्रांजिशन. तो हमारा इमीडिएट क्वेश्चन फिर उठता है कि तो फिर फेज ट्रांजिशन में क्या करेंगे? फॉर फेज ट्रांजिशन क्या है? हम लोग जानते हैं फेज ट्रांजिशन किसका एग्जांपल होता है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड आइसोबेरिक प्रोसेस. क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि फेज चेंज कब होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, और वो रिवर्सिबल होता है. समझे? ध्यान रखेगा ये चीज. तो इसके चार केस होते हैं. सॉलिड का लिक्विड में जाना, जब ये प्रोसेस होता है तो ये इक्विलिब्रियम को होता है, ठीक है, और इस समय टेम्परेचर चेंज आपको नहीं होता है. ऐसे केस में डेल एस हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी. फिर टी इज कांस्टेंट, इसलिए टी को आप बाहर ले लीजिए. डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, डी क्यू रिवर्सिबल डी एच के बराबर होगा, और डी एच आपको डेल एच क्या कर रहे हैं आप? फ्यूजन करवा रहे हैं भाई, टी हो जाएगा. सेकेंड, जब लिक्विड को आप वेपर में ले जाते हैं तो ये बॉइलिंग का केस है, और इसमें डेल एच हो जाएगा डेल एच वेपराइजेशन बाई टी. तीसरा, जब आप सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में ले जाते हैं तब डेल एच क्या हो जाएगा? डेल एच सब्लिमेशन. और एक और होता है आपका, वो है फेज चेंज. फेज वन से इसको ऑलोट्रोपिक चेंज कहा जाता है. हेलो ट्रॉपिक चेंज का मतलब, कुछ एक एग्जांपल ले लें. पी फोर व्हाइट फॉस्फोरस इज इन इक्विलिब्रियम विद पी फोर रेड फॉस्फोरस, समझे? और इसका डेल एस हो जाएगा आपको डेल एच ऑलोट्रोपिक चेंज में जो एंथाल्पी इन्वॉल्व है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर टी. इस तरीके से आप चाहे तो इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है. डायरेक्ट क्वेश्चन इसका रहेगा, वैल्यू पुट करते जाइएगा, आपको जवाब भी मिलते चला जाएगा, ठीक है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, ठीक है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ irreversible adiabatic and isothermal process. This is a very good example of irreversible adiabatic and isothermal process. कैसे? ये देखते हैं. जैसे मान लीजिए कि यहां वैक्यूम, यहां से गैस को इंटर कराया जा रहा है,
पहले गैस यहां तक था और बाद में गैस आपको यहां तक आ गया, ठीक है। ऐसे तो फैलते फैलते पूरा में फैलेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा और पूरी में पूरा में फैल जाएगा। आप एक चीज इसमें देखिए कि जब गैस इसके अंदर इंटर करेगा तो जितना पार्ट में गैस शुरू में रहेगा उसका बाकी पार्ट को वैक्यूम रहेगा, क्योंकि इनिशियली द कंटेनर वाज वैक्यूम। सो गैस अगर इतना पार्ट में अभी तक फैला है अगर, तो रिमेनिंग पार्ट इसका अभी भी वैक्यूम रहेगा। तो वैक्यूम पार्ट गैस के ऊपर प्रेशर नहीं लगाएगा, और इसीलिए सिंस वैक्यूम डज नॉट एग्जर्ट प्रेशर ऑन दी गैस, और इसीलिए पी एक्सटर्नल आपको क्या होता है, जीरो। जब पी एक्सटर्नल है जीरो हो गया तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, आपको जीरो हो जाएगा। यह बात सबको समझ में आ गया होगा कि वर्क डन जीरो हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा बात आपको यह जानना है कि जब गैस मॉलिक्यूल वैक्यूम में आगे की ओर फैलते हैं तो वैक्यूम में, इसलिए इन गैस मॉलिक्यूल के सामने किसी का कोलिजन होता ही नहीं है, इन गैस मॉलिक्यूल का किसी के साथ बाहर पर कोलिजन होता ही नहीं है, आगे बढ़ने में इसको कोई रेजिस्टेंस मिलता ही नहीं है, तो इन मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं करता है, और इसीलिए इंटरनल एनर्जी इसका कॉन्स्टेंट रह जाता है। सिंस गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंसेस नो कॉलिजन ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन, हेंस देयर काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी remains constant or it does not change, और इसी कारण से डेल यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे है। ये देखिए आप, जब इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज करेगा तो टेम्परेचर भी चेंज आपको नहीं करेगा। From first law of thermodynamics, dQ is equal to dU minus dW होता है। ये already zero हो चुका है, ये zero हो गया, और इसलिए dQ भी zero होगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, adiabatic हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, गैस का अपना तो प्रेशर होता है, लेकिन सामने जो वैक्यूम है उसका कोई प्रेशर नहीं, इसी कारण से क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस वो, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग एंट्रोपी चेंज अगर एक्सपेंशन का निकालने जाए तो ये तो इरिवर्सिबल पाथ है, तो इसका कैसे हम निकालें, तो हम एक अल्टरनेटिव पाथ कंसीडर करते हैं टू कैलकुलेट the entropy change during expansion and alternating
रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल path is considered is taken connecting the same initial and final states. ठीक है, और इसीलिए वैसे केस में आपको एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम हो जाएगा, आइसोथर्मल और इनवर्सिबल भी है तो इसका होता है एनसीबी एन आर डीवी बाई डी. एन आर एल एन वी ए बाई वी आई क्या हो जाएगा आपको VF by VI, ठीक है, ये सिस्टम का हो जाएगा. और डेल S सराउंडिंग का क्या होता है, Q by T, लेकिन ये तो एडियाबेटिक है इसलिए Q एक्चुअल तो जीरो हो जाएगा, हीट ट्रांसफर तो होगा नहीं, और इसीलिए डेल S यूनिवर्स हो जाएगा दिस कंबाइंड दिस एम आर एल एम वी ए बाई वी ए. यहां से एक सीखने वाला बात यह है कि जब भी गैस एक्सपैंड करता है वी फाइनल बड़ा होता है वी इनिशियल, यानी कि ये टर्म आपको पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज करता है. एंड दैट इज वाई इफ ए गैस विच इज लेफ्ट इन अ वैक्यूम ऑलवेज एक्सपैंड बिकॉज बाई डूइंग सो entropy of the system increases, entropy of the universe increases, and the gas never returns back to its initial position because if that happens, the entropy of the universe decreases, which is not possible, and therefore contraction of gas by itself never occurs. Thank you all.